समझा दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और इसको और समझते हैं ठीक से। जैसे अगर हम और बात करें कि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे अब सोचिएगा अब आप लोग, जैसे अगर हम बोले कि एक्स वाई स्क्वायर है प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, बटा में एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये बात समझ में आया। अब हम पूछे कि यहाँ पर डिग्री सेम है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा कि बोलिएगा कि पहले रुकिए हम चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर डिग्री दो है तो यहाँ दिखा कि ये गुना में है, ध्यान रखना है गुना में रहेगा तो डिग्री ऐड होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो दो एक बोलेंगे यहाँ पर टोटल डिग्री तीन है, यहाँ पर दो डिग्री है यहाँ पर एक डिग्री है तो बोलेंगे यहाँ डिग्री तीन है। यहाँ पर बेस से कोई मतलब नहीं है, हम डिग्री निकाल रहे हैं, डिग्री और पावर अलग अलग चीज है। यहाँ पर अगर हम गुना करें तो ये स्क्वायर है यहाँ पर वन है पावर, तो हम बोलेंगे यहाँ भी डिग्री तीन है यहाँ भी गुना है बीच में, तो डिग्री कितना है तीन है, इसका मतलब ऊपर का भी फाइनल डिग्री तीन आया नीचे का भी फाइनल डिग्री तीन आया, इसका मतलब कि अब एक्स वाई का मान डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। और अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा उठा ले जहां बराबर नहीं, जैसे हम इसको एक्स वाई क्यू मान लें, इसको वाई एक्स स्क्वायर मान लें, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर मान लें और एक्स वाई क्यू मान लें, अब आप बताइए कि डिग्री सेम है कि नहीं, तो आपको देख के लग रहा होगा कि एक्स का पावर वन है तीन और एक बन गया चार डिग्री, यहाँ बन गया दो और एक तीन डिग्री। लीजिए ऊपर में ही जब डिग्री सेम नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, नीचे की बात और है, तो एक तो दो एक तीन बन जाएगा, यहाँ से तीन और एक चार बन जाएगा, तो डिग्री कहीं से भी सेम नहीं है, सब बराबर आना चाहिए था तभी हम वैल्यू को पुट करते। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब आप बनाइएगा, तो जहां डिग्री सेम आएगा वैल्यू पुट करिएगा, नहीं होगा आंसर लगा दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो हमको आंसर बताना है सबको, अब लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिखिए, कल यहां तक हमको लगता है कि हो चुका था, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर, आज यहां तक लिखिएगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 हो तो ए क्यू माइनस ए बी बटा बी स्क्वायर बटा ए का मान होगा, ऑप्शन लिख रहे हैं 55/7, बी ऑप्शन है 56/7, सी ऑप्शन है 58/7 और डी ऑप्शन है कैन नॉट, या ऐसे लिख सकते हैं कांट बी डिटरमाइन, मतलब निकालना संभव नहीं है, नहीं निकाला जा सकता इसका वैल्यू, उसका मतलब ये हुआ। बताइए क्या आप डिग्री चेक किए सबसे पहले, सेम है बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा, डी डी। अच्छा, यस सर, और किसी को ये बात समझ में आ रहा है कि डी आंसर होगा, बताइए जल्दी, बोलिए, बोलने से सीखिएगा, बहुत कम्युनिकेशन कीजिए। आया कांट बी डिटरमाइंड, किसी को लग रहा है कि, और किसी को लग रहा है ऐसा कि होगा कि और किसी कोई और आंसर होना चाहिए। देखिए बात को समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी है बराबर दिया है 5:3, यहाँ लिखा है ए क्यू माइनस ए बी बटा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने से पहले, ध्यान से सुनिएगा बात को, वैल्यू पुट करने से पहले हम इस बारे में डिग्री चेक करेंगे, और डिग्री चेक में अगर ये फेलुअर हुआ तो आंसर लगा देंगे कांट बी डिटरमाइंड, और अगर आंसर डिग्री बराबर आ गया तब वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए की जगह पर 5 तो 5 का क्यूब, 3 और ए बी फिर बी स्क्वायर फिर ए, तब आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिग्री पहले चेक करते हैं, ऊपर का पावर 3 डिग्री है, यहाँ बीच में गुना था 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ, यहाँ 2 डिग्री हो गया, तो बात ही पता चल गया हमारे पास कि ऊपर ही डिग्री सेम नहीं है तो नीचे वाले चेक करके क्या देखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1, सब अलग अलग डिग्री है, देख के लग गया, यानी कि इसका वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता है, तो इसका मान लगा देंगे कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। आया बात समझ में, जब तक डिग्री बराबर ना हो इसका वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं होगा, कारण ये कि एक एग्जाम में डायरेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि आप फंस जाए वहां पर कांट बी डिटरमाइंड आंसर आ जाए।
ठीक है, तो डिग्री चेक करके ही आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं और चेक करके हमको बताइए कि इसका वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं, और अगर निकाला जा सकता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, नहीं तो फिर बाद की बात है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर, जो भी आएगा वही लिख लीजिए। यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3 हो, तो एक्स क्यू माइनस एक्स वाई बटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स का मान है, ऑप्शन है 2:7, 3:7, 4:7। बोलिएगा जरूर, कांट बी डिटरमाइन। बोलने से सीखिएगा, कोई भी हो बोल रहे हैं तो बोलना है। डिग्री देखिए कि सेम है कि नहीं, पूरा आराम से, और उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या आंसर आएगा? डी कांट बी डिटरमाइंड। चलिए बहुत अच्छा, हाँ तो ऐसे ही बोलिए सब लोग, एक बोल भी दे तब भी बोलना है। अब देखिए ध्यान से हम क्या बता रहे हैं कि एक्स अनुपात वाई है हमारे पास। अब ये बात बहुत अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा, अब कभी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। कि जैसे अगर हमारे पास है कि एक्स क्यू माइनस वाई वाई है, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, बस बात खत्म था। तो हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखिए कि 3 है वैल्यू, यहाँ पर 1 2 ही है, तो ये दोनों का डिग्री तो अलग अलग हो गया, इसका डिग्री और इसका डिग्री अलग हो गया। अब लीजिए, अब डिग्री जब सेम ही नहीं है तो भर ही नहीं सकते मान, तो कांट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको लगता है कि अब सीधे सीधे हम आपको समझा दिए होंगे। एक आध क्वेश्चन और बना लीजिए आप, ताकि आपको पूरा कंफर्टेबल फील हो जाए। जैसे आप लिखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लीजिए इसको, ठीक है, और इसको आप कर लीजिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुक जाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, रुक जाइए, पूरा हमको चेंज करने दीजिए। लिखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बटा बटा में इसको ऊपर प्लस कर लीजिए, क्योंकि माइनस में नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो वाई क्यू प्लस एक्स क्यू, इसका मान निकालना है। अब देखिए कि कांट भी डिटरमाइंड आएगा कि कुछ और आंसर आएगा, अब आप निकाल के अब हमको बताइए, कोशिश करिए, बनाइए सब लोग। सर 6:7 बी सर आवाज गया हाँ आ गया, सर सुन लिए। बी ठीक, और किसी का आंसर आया हो बताइए पहले, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आएगा और बोलिएगा। शर्म करने की बात नहीं है, बोल सकते हैं। हमको समझा दीजिए कर ये नहीं समझ में आया? हेलो, लगता है हम फोन पे बात कर रहे थे, हमको हमसे समझा दीजिए कंफ्यूज। कर इसको समझा दे। हाँ समझ नहीं चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्या कि x अनुपात y बराबर 2:3 है, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। हमको क्या पूछा कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटा वाई क्यू प्लस एक्स क्यू का मान निकालना था, है ना। तो हम कैसे निकाल सकते थे, पहले हम वैल्यू कब पुट कर सकते हैं, जब हमारे पास जो हो
यहाँ पर डिग्री सेम हो। देखिए डिग्री कैसे सेम है, यहाँ 2 डिग्री है, कुछ नहीं है तो 1 है। और हम क्या बोले, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, बीच में गुना है, दोनों डिग्री जोड़ देते तो कितना हो जाएगा फाइनल 3। अब यहाँ चेक कीजिए डिग्री कितना है, 2 और 1, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, और बीच में गुना है तो यहाँ पे डिग्री 3, यानी ऊपर का तो डिग्री 3 है, अब नीचे वाला डिग्री 3 है तो बस काम हो जाएगा। यहाँ भी डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है, इसका मतलब कि अब हम वैल्यू को सीधे उठा के पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स के जगह पे 2 रख सकते हैं और वाई के जगह पर 3 रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, बात को समझिएगा कि अगर एक्स के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर है, 2 का कितना दिया हुआ है स्क्वायर, और गुना वाई है, तो अलग से लिखते जाइए उसके बाद कैलकुलेशन करते जाइए। तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, यानी 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 दूना 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, इसका आंसर आएगा 12। अब देखिए अगला का निकालते हैं, जैसे अगर x का पावर 1 है और y स्क्वायर है, पहले तो हम चेक कर लें कि वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो x का मान है 1, तो 2 का पावर 1 है तो हो जाएगा 2, ठीक है, और y का पावर यहाँ पर पावर भी 2 है, तो y का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, तो यहाँ लिखेंगे कि ये 18 हो जाएगा फाइनल। अब देखिए y का पावर क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर पहले y क्यूब दिया हुआ है, तो y का पावर क्यूब है, इसका मतलब कि y के जगह पर आप 3 रखें, और 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 का मतलब हो गया कि 3 को 3 बार गुना करना है, ऐसे गुना कीजिए, 3 3 9 3 27, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। एक्स का पावर 3, यानी एक्स के जगह पर जैसे खोज के देना है वही एक्स का मान ये है, ठीक है, तो एक्स का मान 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 12 8 18 हो जाएगा 30, जोड़ लीजिए इसको, और 27 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35, तो काट लीजिए दोनों में 5 5 ऊपर नीचे, 6 5 30 और 5 7 35, ये आता 6 अनुपात 7। बताइए ठीक है कि नहीं, अब क्लियर हो गया। समझ में आ गया, हाँ आ गए। चलिए ठीक है, तब समझ गया गया तो अच्छी बात है, इसको नोट कीजिए। एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं तो फिर नए टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग अब पहुंचेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आएगा तो हमको लगता है कि अब आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको एंड ही करते हैं, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन था, आप उसको बनाइएगा आराम से, इसको लिख लीजिए, तब हम अब क्वेश्चन एक नया बनाते हैं। और देखिए ये पैटर्न एक बार पढ़ाए होंगे जैसा कि याद होगा आप लोग को। जैसे देखिए अब एक नया टाइप का क्वेश्चन लिखिए, यदि लिखिएगा इसको, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 9/7 हो तो ए प्लस सी बटा बी प्लस डी का मान होगा, ऑप्शन 9y7, b 7y9, इसका मतलब 9 अनुपात 7, 7 अनुपात 9, वह भी हो सकता है क्योंकि इसको अनुपात में तो हम लिख ही सकते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। बड़ा अच्छा से इसको हम बताते हैं, एक कारण इसमें क्या है कि पहले तरीका सीखना होगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो होता है ए बटा बी सी बटा डी वही आंसर इसका हो जाता है। यानी कि जैसे ए बटा बी बराबर ए बी है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी डी है, अगर ऐसा ही होता, अगर आगे की ओर ऐसे ही बढ़ते जाता, जैसे अगर बात समझिए ए बटा बी बराबर दिया है, समझिएगा बात को, हम डायरेक्ट सिखा देते हैं फिर हम पूरा कंप्लीट बात सिखाते हैं। जैसे अगर बात लिया जाए कि ए बी सी डी लिखा हुआ हो, जैसे एक ही वेरिएबल नहीं हो, अलग अलग हो, ए है यहाँ बी है, ए बी है तो यहाँ बी नहीं आना चाहिए, यहाँ आ गया बी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ए बी सी डी, ठीक है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि ए बटा बी बराबर सी बटा, याद कर लीजिए इसको, सी बटा डी बराबर 9/7, सब अलग अलग होना चाहिए, सब अलग अलग। तो अगर आपसे पूछेगा कि
कि ऊपर वाले दोनों का योग और नीचे वाले दोनों का योग, तो आंसर जो था वही हो जाएगा, यानी 9/7 लगा देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था। हम इस बार पहले ही आपको शॉर्ट मेथड बता दिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको दिखाते हैं, कैसे आया ये, कहाँ से आया, इसको अब हम समझाएंगे, अभी और समझाते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कितना बड़ा भी क्वेश्चन लिख दिया जाए उसका दिमाग ऐसा खराब रहा, ठीक है ना। देखिए और भी अच्छा क्वेश्चन लिख दे, जैसे क्या करे कि ए बटा बी लिखे, कहीं भी आ जाए एग्जाम में ए बटा बी, लेकिन बी नहीं स्टार्ट होना चाहिए, अब सी बटा डी, अब सी बटा डी को छोड़ के अब स्टार्ट हो जाना चाहिए ई बटा एफ, ठीक है। अब तीन वाला आ गया, बोला कि 3/2 आंसर है, बात समझे, बोला गया कि 3/2 आंसर है, अब बताइए कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आपसे पूछा गया क्या, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ लेगा क्या कि ऊपर वाले सबका योगफल a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ, ये वाला डाटा आपसे पूछ लिया गया, a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ, यानी ऊपर का योगफल हमेशा ऐसे ही पूछा ही जाएगा, जब a बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ 3/2 के बराबर दिया जाएगा, तो ऊपर वाले का योगफल या ऊपर वाले का नीचे वाले का योगफल, यानी a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, इसी तरह से ऊपर वाले को ऊपर जोड़ देगा नीचे वाले को नीचे, और पूछेगा बताइए इसका मान कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, इतना दिमाग नहीं खराब करना है, जिसका मान 3/2 हुआ है तो इसका मान भी 3/2 होगा, पेपर में डायरेक्ट लगा देना है आंसर देख के, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से हम एक बार और चार वाला दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे ऐसा रहा क्वेश्चन, ऐसा रहा, अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसी दोनों को a प्लस बी, इसी दोनों को b प्लस डी, 9/7, तो इसका आंसर आप लगा देते 9/7, लेकिन ये आया कहाँ से वो भी जानना बिल्कुल जरूरी है, कॉन्सेप्ट का होना आपके पास बिल्कुल जरूरी है, कोई पूछ देगा कैसे हुआ, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लिखे a बटा बी, एक बार और समझाते हैं, अगर यहाँ है c बटा डी, यहाँ है e बटा f, और यहाँ दे दिया मान लेते हैं कि x बटा वाई, कौन सा बात है, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि लगातार ही हो। अगर हम मान लेते हैं कि इसका मान दे दिया आपके पास 4/5, और आपसे पूछा कि a प्लस सी प्लस ई प्लस एक्स बटा नीचे वाले को नीचे b प्लस डी प्लस एफ प्लस वाई, और 4/5, तब बोलेगा कि इसका मान बताइए, तब आप बोलिएगा कि इसका भी मान 4/5 ही होगा, लाख कोशिश कर लीजिए इसका मान यही निकलेगा। चलिए अब जानते हैं कैसे ये चीज बना है और कैसे ये वर्क करेगा, कि हम डायरेक्ट आंसर देख के कैसे लगा सकते हैं इन चीजों को, कि जब भी a बटा b अलग अलग संख्याएं बटा के अनुपात में हो, तो ऊपर को ऊपर जोड़ना और नीचे को नीचे जोड़ने का सेम आंसर क्यों आता है, इस बात को अब हम समझना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब बात जैसे एक डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ क्या है कि a बटा b, और ये 3 वाला 4 वाला सब में लागू होगा, a बटा b बराबर c बटा d बराबर 9/7 है, ठीक है। एक बात समझना है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बोलते हैं क्या कि 2/4 है, 2/4 है, एक बात याद करिए कि स्टार्टिंग के क्लास में हम एक चीज आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी संख्या में, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी, क्वेश्चन बनाना आसान है, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है, कि अगर किसी संख्या में ऊपर और नीचे दोनों ही संख्या एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो रेशियो नहीं बदलता है, जोड़ घटाओ में बदल जाता है, जबकि गुना और भाग के सिचुएशन में नहीं बदलता है, तो बस हम जस्ट यहाँ गुना करेंगे, तो ये 2/4 है, या हम इसको 2/4 से आपके लिए इसको 2/3 मान सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2/4 1/2 कट जाता है, तो 2/3 उठाएं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक बात को समझिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं कि 2/3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 से गुना कर सकते हैं, और नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, क्या बोले कि अगर 2/ कोई भी जो यहाँ पर दिया हुआ है संख्या, उससे अगर ऊपर नीचे अगर एक ही संख्या से अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो उन संख्याओं में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन देखिए 2-2 कट जाएगा, फिर से 2/3 ही आएगा, लेकिन हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, ये बात समझिएगा, यहाँ पर संख्या को लिख सकते हैं 2×4 और 2×3 6, यानी कि संख्या 2/3 4/6 के बराबर है, आया बात समझ में, क्यों बराबर है बात समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसको काट लेंगे 2-2 से तो ये 2/3 ही हो जाएगा। अब देखिए आगे यही संख्या हमारे पास मल्टीपल है, बराबर ही जाएगा, जैसे अगर हम दोनों तरफ 3-3 से गुना कर ले, 3 ऊपर भी गुना और 3 में भी 3 से गुना कर ले, समझ रहे हैं ना, यहाँ भी 3 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 3 से गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3×6 और 3×9, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6/9, यानी 6×9 हो जाएगा,
छह बटा नौ आ गया। अब देखिए दो बटा तीन काट लेंगे तो दो दूना चार, दो किया छह, तीन दूना, अब देखिए छह बटा नौ को भी तो काटा जा सकता है ना, तीन दुना क्या हो जाएगा छह और तीन तीन ना, लेकिन फिर भी दो बटा तीन, दो बटा तीन, दो बटा तीन, ये तो सब कुछ बराबर ही है ना। अब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की ओर आ रहे हैं। देखिए अगर आप क्या करेंगे चार से भी गुना कर देंगे तो गुना हमेशा इस पार्ट में करेंगे, दो बटा तीन में चार से गुना कर लीजिए, अब यहां से भी चार से गुना कर लीजिए, तो चार दुना आठ और चार तीन बारह, यानी कि ये आठ बटा बारह। अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा बात समझा गए, यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो बटा तीन, बताइएगा ध्यान से, अगर हम इसको लिखे कि दो बटा तीन, हम दो ही से तो गुना करने पर इसको प्राप्त किए हैं, और इसको लिखे थे क्या, ये दो बटा तीन था, इसको लिखे थे तीन और इसको भी लिखे थे तीन, इसको लिखे दो चौके आठ और इसको लिखे दो तीन चौके बारह, ऐसा लिखे हैं, बताइए यही बात को तो हम ऐसा लिखे हैं, इतना हम आपको समझा पाए कि नहीं, बताइए इतना सारा बात क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर। दो बटा तीन, चार बटा छह, छह बटा नौ, आठ बटा बारह आपस में क्यों बराबर है पता चला, बताइए। हाँ चलिए ठीक है, जल्दी से बोल दीजिएगा ताकि हम फिर लाइट उठ जाता है। अब देखिए यहाँ दो बटा तीन, अब यहाँ पर ये आपस में क्या है बराबर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दो बटा तीन, दो बटा तीन, दो बटा तीन सब में बराबर है, तो हम क्या है यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर दो दो से गुना किया गया, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर हम दिखाएंगे बातों को, यहाँ दो दो से गुना किया गया, यहाँ तीन तीन से गुना किया गया, यहाँ चार चार से गुना किया गया, इसका मतलब आगे पांच से, छह से, सात से, ऐसे गुना किया गया, तो क्या एक ही तरह की संख्याएं गुना की गई हैं कि अलग अलग संख्याएं हैं, इसीलिए हम याद कर लीजिए कि अगर हम दिखाएं कि a बटा b बराबर दो बटा तीन है, तो c बटा, आप सुनिएगा बात को हमारे गौर से बात सुनिएगा, कि अगर हम यही बात आपको आए कि बोलिए कि a बटा b बराबर दो बटा तीन दिया हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि c बटा d बराबर चार बटा छ है, c बटा d बराबर भी चार बटा छ है, इसका मतलब क्या कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दो गुना दो और तीन गुना दो, समझ गए ना बात, यानी कि यही बात तो हम लिखे हैं चार बटा छह को दो गुना दो से गुना किए तभी तो चार बटा छह आया, तो ए बटा बी दो बटा तीन, सी बटा टी डी जो हो गया दो गुना दो और तीन गुना दो हो गया फाइनल, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो चार बटा छह के बराबर है हमारे पास, ठीक है ये चार बटा छह जो है वो इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, अब देखिए सब अलग अलग है कि नहीं, ए के जगह पर दो है तो अलग है, बी के जगह पर तीन है तो अलग है, सी के जगह पर यहाँ आ गया चार तो अलग है, और डी के जगह पर यहाँ आ गया छह तो अलग है, यहाँ डी के सब अलग अलग है लेकिन सबका रेशियो देखिए क्या है सेम है, यानी कि अगर हम इसमें वन से गुना किए हैं तो नीचे भी वन है, इसमें टू से गुना किए हैं तो नीचे भी टू है, बस हम यही बात समझाना चाहते थे कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना होगा, और ए बी बटा सी डी में अंतर तो एक ही अलग अलग होगा लेकिन रेशियो सेम होगा, यानी कि अब हम बात क्लियर करते हैं, इसको साइड से लिख लीजिए, साइड में इसको लिखिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कहीं साइड में हटा के उसको लिखिए, क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बहुत समझाना पड़ रहा है इसमें, अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है, जब अगर इतना बात कुछ ज्यादा घुमा के नहीं आया तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में हम आपको टीचर थोड़े बना सकते हैं कि दूसरे को समझा दीजिएगा, धीरे धीरे ये बात अपने आप दिमाग में जाएगा, सेट करेगा, इसको एकदम साइड में लिखिएगा क्वेश्चन के सामने में। अब हम बात को आते हैं, इस क्वेश्चन पर अब लेके आते हैं बात को, सुनिए आप, मिटाएं इसको, लिख लिए होंगे, चलिए अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं कि हम अभी तक जो फील किए बात यही ना फील किए कि a बटा b लिख लें, c बटा d बदल जाएगा, देखिए दो से गुना करने पर बदल जा रहा है लेकिन इसका रेशियो दो बटा तीन और चार बटा छह के रूप में आ रहा है, लेकिन फाइनल रेशियो जो आ रहा है वो दो बटा तीन ही आ रहा है, हम ये बोलना चाहते हैं कि इसका मान तो बदल जाएगा सी बटा डी का, लेकिन क्या इसका रेशियो बदल पाएगा, नहीं, रेशियो अगर 9 बटा 7 है तो इसका भी 9 बटा 7 रेशियो होगा लेकिन इस बार 9 बटा 7 रेशियो होगा,
तब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम लॉजिकली बात बनाना तो ऐसे ही है कि डायरेक्ट 9/7 लगा देना आंसर, लेकिन आया कहाँ से वो देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं कि इस तीनों आपस में बराबर है। अब तरीका सीखिएगा क्वेश्चन बनाने का, ये तीनों आपस में बराबर है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ठीक है ए बटा बी बराबर भी 9/7 है और सी बटा डी बराबर भी 9/7 है, यानी कि दोनों का दोनों 9/7 ही है। ये 9/7 जो है वो कब पॉसिबल है, ये बात को सुनिएगा, 9/7 जो है वो कब पॉसिबल है, एक मिनट देखिए, 9/7 जो है वो कब पॉसिबल है, तो इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं कि दोनों में आ रहा है कि क्योंकि a बटा b का भी मान 9/7 आ रहा है, b का मान भी इतना आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक चीज और समझाते, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसको, बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए। देखिए 2:3 है तो आप क्या लगाते हैं, अगर 2/3 लगा हुआ तो आप एक्चुअल संख्या तो है नहीं, आप बोलेंगे इसमें भी x लगाएंगे इसमें भी x लगाएंगे। ये स्टार्टिंग वाले क्लास में पढ़ाए थे कि 2/3 का मतलब होता है क्या, x लगाना दोनों में, या दोनों में x ही नहीं लगाना, हम दोनों में बोलते हैं कि y y लगा लीजिए तब भी कट जाएगा, 2/3 ही आएगा, तो एक्चुअल संख्या वो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से कि a बटा b वाले पार्ट में ये तो अलग है ना, क्योंकि c बटा d अलग होगा a बटा b अलग होगा, तो इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं 9x/7x मान लेते हैं इस वाले पार्ट को। देखिए अब समझ में आएगा ज्यादा, a बटा b को, क्योंकि इसमें 9 है तो इसमें इसमें x है तो इसमें भी x ही रहेगा, अगर हम c बटा d को निकालेंगे तो इसमें मल्टीपल कुछ और होगा, देखिए c बटा d में जैसे 4/6 हो गया तो हम मान लेते हैं कि इसका मल्टीपल होगा 9y/7y होगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं जब माइनस वाला केस आएगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, घटा दीजिएगा, जीरो आंसर ला दीजिएगा, इसीलिए हमको इतना ज्यादा बताना पड़ रहा है। वो क्वेश्चन आज के क्लास में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान से बात, हम क्या किए सीधा सीधा, अगर एक्स वाई है तो अब बात को नॉर्मल भाषा में यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, ए बटा बी का मतलब 9/x लगा लिए, सी बटा डी में रहेगा तो वाई वाई लगा लेंगे, और अगर एक ई बटा एफ भी दे दिया तो जेड जेड लगा लेंगे। जैसे अगर ऐसा बोला गया कि ए बटा बी है 9/7 है तो एक्स एक्स लगा लिए, बी सी बटा डी है तो यहाँ लगा दिए 9/y और यहाँ पर 7/y लगा दिए, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें सी बटा डी हो गया ना, और ई बटा एफ लगा दें तो ये भी 9z/7z हो जाएगा। बात तो वही है कि जेड जेड यहाँ कटेगा, 9y यहाँ कटेगा, एक्स एक्स यहाँ कटेगा, बात तो वही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा मल्टीपल बदल जा रहा है, ठीक है। तो अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, यहाँ से जोड़ रहे हैं, अब हमको किस किस चीज का जरूरत है। अब अगला बात डिग्री चेक करना है, डिग्री कीजिए, पावर वन पावर वन पावर वन, डिग्री ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी कि वैल्यू पुट अब हो सकता है ए प्लस सी बटा बी प्लस डी। अब वैल्यू भरते हैं यहाँ से, तो a का वैल्यू देखिएगा, सामने सामने वैल्यू होता है, a का वैल्यू हम लोग भरेंगे कितना, तो भरेंगे 9x प्लस c का वैल्यू भरेंगे कितना 9y, तो जैसा है वही लिखेंगे 9y, ठीक है। b का वैल्यू है 7x तो भर दीजिए b का वैल्यू 7x, और d का वैल्यू है 7y, यहाँ देखिए d का वैल्यू है 7y, एक मिनट x कुछ गड़बड़ कर गया क्या, नहीं ठीक है 7y भर गए, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एक्स वाई यहाँ से मान देख के भरे, x x लगा दिए, y y लगा दिए, टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए दोनों में 9 कॉमन आ रहा है तो बाहर की ओर खींचेंगे, जब 9 बाहर आ रहा है तो x बचेगा अंदर, यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लिए प्लस y बचेगा, यहाँ भी देखिए 7 बाहर की ओर खींच लिए तो इसमें से x बचेगा और इसमें से भी y बचेगा, और पता है दोनों कट जाएगा तो यही दिखाएगा कि ये 9/7 आएगा। अब ये एक दो एग्जांपल से और इसको ज्यादा क्लियर करेंगे, बताइए ठीक है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं क्या कि a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 9/7 हो तो इसका मतलब कि ऊपर का योगफल और नीचे का योगफल हमेशा 9/7 आएगा। हम आगे वाले क्वेश्चन से इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, चलिए बताइए ठीक है कि नहीं है। चलिए तो लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं। अभी ये इसी का समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम अच्छा से एकदम। हाँ सर, तो बहुत डीप था ये क्वेश्चन, इतना आसान नहीं था,
अब देखिएगा यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा, इसलिए हम इस पर दिमाग पूरा लगा दिया आज समझाने में, बहुत कोशिश की इसको समझाने का आज। ठीक है, लिखा गया होगा और हमको लगता है लिखाया, तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन हम और समझें। हाँ बोलिए, वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं जा रहा क्या? और फिर से प्रॉब्लम आ गया। एक बार हम कट के ज्वाइन करते हैं फिर से, ठीक है? उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत।